हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी आ जाइए। क्या कुछ लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन गया है? गुड मॉर्निंग भैया, दो लोग। चार। चलिए, आज लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ भी, जहाँ से स्टूडियो है, यहाँ पे भी लाइट नहीं है। फिलहाल इन्वर्टर से चलाने कोशिश की जा रही है। जल्दी से शेयर कर लीजिए आप लोग इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो दोस्तों, आप सभी लोग आ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, क्लियर? पांच लोग आ चुके हैं। चलिए जल्दी से बताइए, कंपनी कब बनी थी? बोलो यार, जल्दी जल्दी चलो, शॉर्टकट में। कंपनी कब बनी थी? आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? खुश रहिए भैया। रोहित बुद्ध, हाँ सर, वेरी गुड। अमित कुमार, चलिए आ जाएं सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक जबरदस्त सेगमेंट, जिसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। किस नाम से? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। क्या मतलब होता है? मौलिक अधिकार। कोई बताया नहीं कंपनी कब बनी थी? कंपनी कब बनी थी? नहीं पता यार, इतने लोग हो, यही नहीं पता है कि कंपनी कब बनी थी? बताओ। 1600। चलिए वेरी गुड। 31 दिसंबर सन 1600 कंपनी भारत कब आई थी? बोलिए, कंपनी भारत कब आई थी? सोलह सौ आठ में। वेरी गुड, 1608 में। रोहित बुद्ध, चलिए। गुड मॉर्निंग आरबी क्लास। संत राम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया। आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा। सही बता रहे हैं, जितने लोग होंगे, जितना बड़ा ग्रुप होगा, उतना ज्यादा मजा आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पढ़ना है ये, वो भी कायदे से पढ़ना है। कोई बताएगा मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अभिषेक गुप्ता, गुड। अंकित, पढ़ाएं सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। गुड मॉर्निंग भैया। संदीप यादव, बताइए, कोई बताएगा हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है? गलत, संदीप यादव, गलत। भाग 3 में बताया गया है। चलिए वेरी गुड, भाग 3 में बताया गया है, जो कहां से कहां तक है बताइए, जो कहां से कहां तक है। बारह से 35। चलिए, तो आज सभी लोग जान लीजिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? आज का जो टॉपिक है हमारा, इसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट, यानी इसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है।
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आज का हमारा यही टॉपिक है जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? ऐसा अधिकार जो मनुष्य के, गौर करना एकदम आराम से सुनना, जो मनुष्य के नैतिक भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो। तीन चीजें, नैतिक भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो, उसी को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। बात समझे? मतलब मानव होने के नाते जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार है, जैसे सांस लेने का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, वायु का अधिकार, जल का अधिकार, बात समझ में आया, जो इस जीवन को चलाने के लिए नितांत ही आवश्यक है, उसी को कहा जाता है मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। साधारण अर्थों में मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की जरूरत होती है, उसी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? उसी को कहा जाता है मौलिक अधिकार, यानी उसी को हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग राहुल, ठीक है, राजकुमार जैन, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो फिर से सुन लो, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार से होता है जो मनुष्य के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे मनुष्य का भौतिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है, यानी संपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसी को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार हमको किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये मौलिक अधिकार हमको राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्लियर? गुड मॉर्निंग भैया तिलक। ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये मौलिक अधिकार? राज्य के द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, गलत ना करना। ये मौलिक अधिकार हमको कौन प्रदान करता है? राज्य। कौन प्रदान करता है? राज्य। आप सभी लोगों को पता होगा राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? जो राज्य देता है अपने नागरिकों को ना, नागरिकों को का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राज्य के द्वारा। इसी को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। ठीक भैया, किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। चलिए, गुड मॉर्निंग राज्य। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिन बच्चों को ये ही नहीं पता होगा कि राज्य किसे कहा जाता है। बोलो यार, पता है? सभी लोगों को पता है राज्य किसे कहा जाता है? जल्दी टाइप करो यार। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा? जिस दिन भैया शुरू होगा आपको बता देंगे अश्वनी। यस यस यस, बहुत सही, बताइए। देखो यार, यहाँ पे अगर राज्य की परिभाषा की बात किया जाए तो यहाँ राज्य का आशय किनसे लगाया जाता है? राज्य का यहाँ जो आशय बताया गया है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और राज्य के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। किसके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं? राज्य के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। संदीप कुमार यादव, गुड मॉर्निंग भैया सभी को। चलिए, जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूं, आज का हमारा जो टॉपिक है उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार, जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ठीक, चलो, तो हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है भैया, बताना सभी लोग? अमेरिका से लिया गया है। क्या लिया गया है अमेरिका से? मौलिक अधिकार। यही पे एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, ये तो मैंने बता दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये, लेकिन यहाँ एक राज्य की परिभाषा मैं आपको और बताता हूं, जो आपसे कभी कभी पूछता है कि राज्य किसे कहा जाता है। तो राज्य का आशय, एक निश्चित तंत्र से लिया जाता है। राज्य का आशय निश्चित भूभाग के ऊपर निवास करने वाली जनता के ऊपर सर्वोच्च शक्ति से नियुक्त एक सरकार होती है।
निश्चित भूभाग क्या होना चाहिए? निश्चित भूभाग के ऊपर सर्वोच्च शक्ति से युक्त जनता के ऊपर शासन करने वाली सरकार होना चाहिए। और व्यवस्था से अंत यहाँ पे क्या लगाया जाता है? आशय एक तंत्र से लगाया जाता है। तो अगर पूछा जाए राज्य का निर्माण किससे होता है, शुभम कुमार गुड मॉर्निंग भैया, तो याद रखिएगा किसी राज्य के निर्माण के लिए पहली चीज जो चाहिए वह क्या चाहिए? जमीन। क्या चाहिए यार? पहला चीज जो चाहिए वह जमीन। दूसरा क्या चाहिए? लोग। दूसरा क्या चाहिए? लोग। तीसरा क्या होगा? नागरिक। क्या होगा? नागरिक होगा। नागरिक क्या करेंगे? चुनाव। नागरिक क्या करेंगे? चुनाव। चुनाव से क्या बनेगी? सरकार। क्या बनेगी यार? सरकार। सरकार हमारी कैसी होगी? संप्रभु। संप्रभु। और संप्रभु सरकार क्या चलाएगी? राज्य व्यवस्था। क्या चलाएगी? राज्य व्यवस्था चलाया जाएगा। राज्य व्यवस्था किसके द्वारा चलाया जाएगा? संप्रभु सरकार के द्वारा। तो सभी लोग एकदम दिमाग लगा के खोपड़ी खोल के समझ लो यार, गजब की चीज बताने वाला हूं, ठीक है? राज्य, नहीं तो वक्त गुजर जाता, कुछ पता ही नहीं चलता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलो अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जिनके पास ये सारे हमारे नोट्स के पीडीएफ नहीं अवेलेबल होंगे ना, तो आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर पे, जीएस स्पार्क मेरा ऐप है, वहां सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं और पूरे एक साल तक के लिए एकदम फुल अपडेटेड कोर्स वहां पे अवेलेबल है, वहां पे आप जाके ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, और वहां पे आपको 50 रुपए 40 रुपए इस तरह के जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं वहां पे आप अपना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। जो बच्चे अपना नोट्स बनाना चाहें, फास्ट चल सकते हैं, वो चलें। सबसे पहले क्या चीज चाहिए? जमीन। वहां पे सिस्टमैटिक ढंग से है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपना नोट्स बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं बना सकते हैं तो एक बार में जाइए जीएस स्पार्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आज नहीं कल तो उसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। चलो तो पहली चीज क्या चाहिए? जमीन, ठीक है? दूसरा लोग, तीसरा नागरिक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे, गुड मॉर्निंग भैया शशि कुमार, हेमंत विश्वकर्मा, ओके सर। चलो पहली चीज क्या चाहिए? जमीन। याद रखना किसी भी राज्य के निर्माण के लिए पहली चीज जो होनी चाहिए, जमीन। हवा में रहोगे का बता? हवा में रहोगे, राज्य का निर्माण हवा में होगा। हाँ, राज्य का क्षेत्र वहां तक होता है, ठीक है? यानी हमारे भारत देश के ऊपर कोई विमान गुजरेगा तो हम उसको मार के गिरा देंगे, ठीक, शामिल है। लेकिन मेन क्या होना चाहिए? मेन होना चाहिए जमीन। जमीन के ऊपर ही आसमान का एरिया होगा, बात समझे? ऐसा नहीं कि अमेरिका का एरिया है और आप आसमान में चले गए ऊपर, कहे कि ऊपर का आसमान मेरा है, मार के गिरा देगा वहीं पे धार से, समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने औकात में रहना है, मतलब जैसे भारत देश है तो भारत देश के ऊपर का राज्य क्षेत्र आपका है, अमेरिका के ऊपर मत चले जाना कि यहाँ भी घूम ले जरा सा। पहली चीज क्या चाहिए? जमीन। दूसरा लोग, तीसरा नागरिक। कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार हो गए होंगे, राहुल प्रजापति, वेरी गुड, ठीक है? कई लोग यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार हो गए होंगे, तुरंत कहेंगे लोग भी लिख दिए हैं यार, नागरिक भी लिख दिया है, गजब है गुरुजी, समझ रहे हो ना? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गजब है गुरुजी, लोग भी लिख दिए, नागरिक भी लिख दिए। हाँ लिख दिए ना, लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि ये अगर आप देखो हमारा भारत देश है, ठीक है, ये है हमारा भारत देश, बात समझे भैया? ये है हमारा भारत देश, समझे? देखिए क्या है, ये है हमारा भारत देश। तो इसके अंदर देसी विदेशी दोनों होते हैं, जैसे कुंभ का मेला लगता है आप देखते हैं बड़े पैमाने पे विदेशी लोग आते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहां से है। तो देसी और विदेशी दोनों शामिल होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा लोग। लेकिन चुनाव में कौन भाग लेता है? नागरिक। चुनाव में कौन भाग लेता है? नागरिक चुनाव में भाग लेते हैं। और जब चुनाव होता है तो क्या बनता है? सरकार। क्या बनता है यार? सरकार। नागरिक थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर, शशि कुमार, ठीक है बेटा, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पायल पाल, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो तो ये देखो, पहली चीज क्या है? जमीन। दूसरा क्या है? लोग। तीसरे क्या है? नागरिक। चौथा क्या है? चुनाव। चुनाव से क्या बना? सरकार। सरकार हमारी कैसी होती है यार? संप्रभु। कैसी होगी बताना जरा तो? संप्रभु। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यहाँ पे तुरंत क्लिक कर रहा होगा संप्रभु, ठीक है?
देखो यार भले आप लोग मेरे सामने नहीं हो लेकिन मुझे पता है बहुत खतरनाक लेवल पे क्या पढ़ाना है, समझ रहे हो ना? अच्छी तरीके से जान लो, मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? चलो, पहली चीज क्या चाहिए? जमीन। दूसरा लोग। तीसरे नागरिक। चौथा चुनाव। चुनाव ना तो ये सब तो समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम जैसे ही आएंगे सरकार, सरकार हमारी क्या है? संप्रभु। क्या है संप्रभु? संप्रभु का मतलब होता है जो आंतरिक, आंतरिक एवं बाह्य, जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। कैसे स्वतंत्र हो? आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। याद रखना दोस्तों, आज राज्य समझा रहा हूं एकदम। तो जो आंतरिक संप्रभु, जैसे आप हमेशा न्यूज़पेपर में, इस समय न्यूज चल रहा है, हर जगह चलता रहता है, आप लोग हमेशा एक बात सुनते हो। बात क्या सुनते हो? संप्रभु, ठीक है? भारत की संप्रभुता के विरुद्ध या जो है कि पाकिस्तान का हमला माना जाएगा, चीन ने भारत की संप्रभुता के ऊपर जो है कि उसकी अखंडता के ऊपर उसने अंगुली उठाई, ये सारी चीजें आप देखते हो खतरनाक लेवल पे हमेशा चलती है। तो संप्रभु का मतलब क्या होता है? जैसे जब आप जब आप आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, जैसे हमारा भारत देश, भारत देश के अंदर का डिसीजन कौन लेता है? भारत सरकार ना, समझ पा रहे हो कि नहीं यार? भारत देश के अंदर का डिसीजन कौन लेता है? भारत सरकार। भारत के बाहर का डिसीजन कौन लेगा? भारत सरकार ना। जेई की वैकेंसी कितना है, एई की वैकेंसी कितना, कितना शिक्षा मित्र आएंगे, लेखपाल आएंगे, ठीक है? कहाँ पे पुल, कहाँ पे बाजार, कहाँ पे सिनेमा हॉल, कहाँ पे दुकान बनाना है, कहाँ से हाईवे जाएगा, इन सारी चीजों का देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। तो हमारे भारत देश की सरकार भारत देश के अंदर का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं है? बोलो, है ना स्वतंत्र? इसी तरीके से हमारे भारत देश की जो सरकार है वह हमारे भारत देश की सरकार बाहर का भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारे भारत देश की सरकार आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। जैसे अभी मान लो चाइना उछल रहा है, अगर भारत का दिमाग खराब हो गया, नरेंद्र मोदी का मान लो दिमाग खराब हो गया, तो क्या अमेरिका से पूछेंगे क्या कि डोनाल्ड ट्रंप मारे कि ना मारे? नहीं, सीधे बोलेंगे हमला। बात समझ में आया? और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 50,000 परमाणु बम है, हमारे पास दसेट हो है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अगर हमला हो गया जिसका परमाणु बम 3-4 10 पहले चला गया तो दूसरा हो जाएगा खत्म, समझ रहे हैं? और अभी देखा जाएगा, पहले हल्के तौर पे युद्ध किया जाता है, उसके बाद जब देखा जाता है एक देश को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो ऐसे कंडीशन में उठा के क्या करता है? ऐसे कंडीशन में उठा के अपना परमाणु मिसाइल कार्यक्रम लॉन्च कर देता है। और नरेंद्र मोदी जैसे लोग रहेंगे तो शुरू में पता चलेगा कि अपना परमाणु कार्यक्रम लॉन्च कर देंगे अगर इसी तरीके के हालात रहेंगे, ठीक है? एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने देश का पहले डिफेंस कर ले। जब आप मार के लास्ट में उपयोग किसी भी हथियार का करने का क्या फायदा? तो याद रखना, जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। कैसे स्वतंत्र हो? आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। समझ में आया भैया? बताइए जल्दी जल्दी। जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। रोशनी यादव, ऋषिकेश सिंह, यस सर, समझ में आया भैया? जल्दी बोलिए सभी लोग जल्दी। बोलो यार। जी सर, वेरी गुड। संदीप, हाँ, चलिए। तो देखिए, बड़ी खतरनाक लेवल पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप लोगों को सही लगता है तो थोड़ी सी मेरी वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए, हम तो समझा ही देंगे पूरा ऑल टू ऑल। तो ये हो गया। अब इसके बाद आंतरिक एवं बाह्य रूप से क्या हो गया? आंतरिक एवं बाह्य रूप से हो गया स्वतंत्र। इतनी बात समझ गया यार? चलो, अब इसके बाद यही जो होगा, यही चलाएगी जो सरकार होगी, चलाती है हमारे देश की राज्य व्यवस्था। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, तो मैं राज्य को मैंने दो तरीके से समझाया, और ये राज्य जो है यहाँ मौलिक अधिकार के संबंध में जो बात की जाती है वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की बात की जा रही है। समझे भैया? समझ गए होगे, समझदार तो आप लोग टॉप लेवल पे हो। अब इसके बाद मैंने यहां से, तो सबसे पहले 1215 से शुरुआत होती है मैग्ना कार्टा की। किसकी शुरुआत होती है? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? यह है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का घोषणा पत्र, मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का
घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र यानी फंडामेंटल राइट, यानी इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब ये घोषणा पत्र क्या है, कहां से आया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो मौलिक अधिकार की शुरुआत होती है सबसे पहले 1215 के मैग्ना कार्टा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मैग्ना कार्टा यानी मौलिक अधिकार। मैग्ना क्या है? ब्रिटेन में एक स्थान है, उस ब्रिटेन के स्थान को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना के नाम से जाना जाता है। वहीं से मैग्ना कार्टा का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। 1215 में पहली बार क्या हुआ था कि ब्रिटेन में वहां पे पूरी तरीके से जो है कि लोगों को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया गया था। सम्राट सर्वे सर्वा होता था, उसका जब मन करता था जैसे मन करता था उस तरीके से दंड देता था, पनिशमेंट देता था। लोग त्राहि माम कर चुके थे। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया 1215 में, कब किया 1215 में, सबसे पहले इन लोगों ने वहां के सम्राट जान से, सम्राट का जान जो था उस सम्राट के जान के पास ये लोग पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि ऐसा है महाराज, माना कि हम राजा हैं लेकिन आपके भी कुछ कर्तव्य हैं और हमारे कुछ अधिकार हैं, इसको आप लिखित रूप में दीजिए तभी हम युद्ध में आपकी सहायता करेंगे, अदरवाइज हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो आया इसे हम लोग क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। कहां से आएगा मैग्ना कार्टा? ब्रिटेन से। कहां से आएगा मैग्ना कार्टा? ब्रिटेन से। चलो, कितने बच्चों को समझ में आया? बोलो भैया। ऋषिकेश, चलिए, पायल पाल जी सर समझ में आया, रोशनी यादव और लोग बताइए समझ में आया, बताओ यार जल्दी जल्दी, एकदम धुआंधार तरीके से बता नहीं रहे हो, समझ लो। रोशनी यादव आ गया सर, ऋषिकेश, और लोगों का नेट नहीं काम कर रहा है क्या यार? पंकज कुमार गुड मॉर्निंग भैया, पंकज निषाद गुड मॉर्निंग, सत्या गुप्ता समझ आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो शांत संत राम, यस सर, वेरी गुड, रोहित बुद्ध जी सर, चलिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोगों को समझ में आया, अब आगे आइए और ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है, मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है फ्रांस में। कहां शुरुआत होगी? फ्रांस में। फ्रांस में किसका? फ्रांस में जो था, फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। किसका? लुई 16वें का शासन था। कहाँ था? फ्रांस में। और उसी समय जो है कि जनता ने मौलिक अधिकारों की घोषणा की मांग की और फ्रांस ने, जो फ्रांस का लुई 16वां था उसने तुरंत क्या किया, उसने तुरंत इसको मना कर दिया। कहा क्या मौलिक अधिकार, हम मौलिक अधिकार अधिकार कुछ नहीं जानते, समझ, संकी टाइप का था, इसको क्या पता यार, जो राजा है राजा है। जैसे मान लो मैं राजा हूं, मैं कभी भी कुछ कह रहा हूं कि ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अटेंडम माहौल बदल जाए, जनता विद्रोह कर जाए, जनता के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। आप समझ नहीं रहे हो, अब देखो ये बिजली वाला मुद्दा आज देख लो, समझ रहे हो कि नहीं? लगता है प्रशासन को कि तुरंत चीजें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा सरकार ने कई दिन से इसके लिए प्रयत्न भी किया सारी चीजों को संभालने का, लेकिन आज देख रहे हैं ना कि संपूर्ण भारत, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर जगह 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 बिजली की जबरदस्त समस्या है। आज के डेट में अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हाहाकार मच जाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, राजा को नहीं पता चलता है और अंदर ही अंदर जो होता है कि प्रजा क्या कर जाती है, विद्रोह। लुई 16वां सोचता था, जैसे यार मान लो कभी किसी को किसी का डर न रहे, हम राजा हैं हमको किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोह हो जाए। आती है जनता लुई 16वें से कहती है कि महाराज आप भी हमारे मौलिक अधिकारों की घोषणा करिए, घोषणा करने से इनकार कर देता है, दिमाग इसका खराब होता है लुई 16वें का। लेकिन जनता ने बहुत ही गंभीरपूर्ण निर्णय लेते हुए इसको पकड़ के एकदम फांसी के फंदे पे लटका दिया। किसको? बोलो, लुई 16वें को। तो फ्रांस में तो हो ही गया। उसके बाद सबसे, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित रूप से कहाँ आया, सबसे पहले लिखित रूप से आएगा अमेरिका में। कहाँ आएगा? अमेरिका के संविधान में सबसे पहले लिखित रूप में आता है
और वहीं से यह मौलिक अधिकार कहाँ शामिल किया जाता है, भारत में। कहाँ शामिल किया जाता है, भारत में। तो हमारे भारतीय संविधान के ना हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले भारत में 1215 में मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र है, लुई 16वें को फांसी पे लटकाया गया। और इसके बाद लिखित रूप से सबसे पहले कहाँ आया, अमेरिका से। अमेरिका से कहाँ आया, भारत में आ गया। भारत में, अब भारत में ले आके इसको पढ़ते हैं मौलिक अधिकार को, ठीक है। इतना सब होने के बाद भी अभी सरकार के कान पे पर्दा पड़ गया, नहीं खुलेगा पर्दा, टेंशन ना लीजिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा शक्ति है बहुत खतरनाक लेवल पे है, समझ रहे हैं। आज भारत देश युवाओं का देश है और युवा पढ़ा लिखा है, जाग चुका है, हर चीज को उसको मेंटेन करना आता है कि किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। ये बताओ यार, जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, सही से बताना। और देखो यार, पूरी कोशिश की जा रही है भाई, आप देख रहे हो आज कहीं लाइट नहीं है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कल भी इसका बैकअप रखा जाए, लाइट का। अगर रह गया लाइट का बैकअप तो कल भी पढ़ाया जाएगा, और अगर इसी बीच में कुछ प्रशासन में सुधार हुआ, लाइट की व्यवस्था बन गई तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो आज एक एक्ट होता है तो उसका प्रभाव कई गतिविधियों पे पड़ता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, एक लोग पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर। अच्छा, इनके पूछने का दोस्तों मतलब ये है कि संविधान का जनक कौन है ना। तो संविधान का जनक तो किताबों में लिखा जाता है, भीमराव अंबेडकर लिख दिया जाता है, लेकिन कभी मेरे भाई अगर आप लोगों से पूछा कि संविधान किसने बनाया तो आप बताना संविधान सभा ने। किसने बनाया संविधान, सभा के द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, हमारा संविधान। तो दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारा संविधान बना, सभी बच्चों को पता होगा, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय जो संख्या थी मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। कितनी थी, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार, 14 से 18। ये किसका अधिकार है, समता का अधिकार। उसके बाद आप देखोगे 14 से 18 समता का अधिकार। उसके बाद दूसरा आप देखोगे 19 से 22। सबसे पहले आप लोग 19 से 21, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। 22 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौबीस से अट्ठाईस धर्म को मानने का अधिकार। सॉरी यार, यहां 25 होगा, कहीं कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। एक मिनट, 19 से 22, हाँ सही यार, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया जरा ना। और ये हो जाएगा 23 24 23 24, ये 25 से 28, ये हो जाएगा 29 से 29 30, और ये हो जाएगा 32। ये क्या हो जाएगा, 32। चलो एकदम सही, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, इसी वजह से पूरा सिस्टम डैमेज। सबसे पहले आप देखोगे 14 से 18 किसके बारे में बताया गया, 14 से 18 बताया गया है समता का अधिकार। क्या बताया गया है यार, समता। तो 14 से 18 में समता, अगर समता की बात किया जाए, समता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब होता है बराबरी का अधिकार। किसका अधिकार मेरे भाई, बराबरी का अधिकार होता है, ठीक है। चलो अब मजा आएगा, एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं।
14 से 18 जो किसका अधिकार बताया गया है, समता का अधिकार, मतलब बराबरी के साथ जीने का अधिकार है। आप इनको एक एक तोड़ेंगे, जैसे 19 से 22 तक किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का। 23 24 में किसका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धर्म को मानने का अधिकार। 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उससे रिलेटेड अधिकार है। और 32 जो है यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका अधिकार यार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक भैया, ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, चलिए आप सही है ब्राइटनेस, बोलो यार। जी सर, पायल पाल जी सर, आप ब्राइटनेस सही है। बता नहीं रहे हो यार, जल्दी करो जल्दी। हाँ पायल पाल, शुभम, रोशनी यादव, इंक फिल कर लीजिए। अच्छा इंक भी नहीं है, चलिए पवन कुमार, चलिए हमने इंक भी डाल दिया। और बताइए कोई दिक्कत, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बस तुरंत बता रहे हैं, पूरा एकदम दिमाग के अंदर एक एक प्रश्न बाहर नहीं निकल पाएगा। चलो यार, आप देख रहे हो 26 जनवरी 1950 के दिन, किस दिन यार, 26 जनवरी 1950 के दिन आता है ये, हमारा लागू होगा। उस दिन हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार थे, अभी तो मैंने कितना बताया, 1 2 3 4 5 6, 7वां मौलिक अधिकार। इसमें कहा जाता है संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार, संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है यार, प्रॉपर्टी का अधिकार। यह पहले हमारे यहाँ 19F और 300 में था, ठीक है, पहले नहीं सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में और 19F में था। अब कहाँ है, अब यह 300A में है। पहले यह कैसा अधिकार था, पहले यह मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार, ठीक है, पहले यह मौलिक अधिकार था। अब यह कैसा अधिकार है, विधिक यानी कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, विधिक यानी कानूनी। तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, 300A में, वेरी गुड। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एकदम बिल्कुल बता रहे हैं, चलिए आ जाइए सभी लोग तुरंत देखिए। तो 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारा संविधान बना था, उस समय जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 19F और 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब उसको क्या किया गया, उसको हटा दिया गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे आएंगे देखिएगा, रीजन क्या था, मान लो यार कि संपत्ति, संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई भी योजना आ रही है, परियोजना आ रही है ना, अगर कहीं पे कोई योजना परियोजना आ रही है, उस समय भारत देश को आजादी मिली हुई थी, जैसे रेलवे लाइन भी बिछानी है, तो उस समय संपत्ति का अधिकार यानी जो जमीन का अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, उसको कोई ले नहीं सकता था। समझ रहे हो यार, कोई उसको ले नहीं सकता था। जमीन जैसे है तो वह कैसा अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार, कोई उसको ले नहीं सकता था। जैसे मान लो कि सरकार को, गवर्नमेंट को रेलवे लाइन बिछानी है और वो यहां से लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है बताओ, रेलवे लाइन ना। अब पता चला किसी का यहाँ पे क्या पड़ गया, किसी का यहाँ खेत पड़ गया, अब हम नहीं देंगे जमीन अपनी तो नहीं देंगे, इतनी बात समझे, अब हम जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अब होता क्या था कि जैसे मान लो कोई परियोजना हुई, यहाँ तक पता चला 200-300 मीटर गया, तब तक किसी का जमीन पड़ गया, डीएम जा रहा है या डीएम जा रहा है, समझा रहा है कि बाबा जमीन दे दो, ठीक है बाबा जमीन दे दो, लेकिन यह क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जो है कि यह क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर अब हम जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे, समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है। भारत देश को आजादी मिली है, उसका आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए जरूरत है, और जब आर्थिक ढांचा, बात समझ में आया, यहाँ पे जब आर्थिक ढांचा को खड़ा किया जाना है तो यहाँ पे जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। अब पता चला कोई किसान नहीं दे रहा है, बड़े बड़े अधिकारी जाके समझा के थक गए, डीएम खुद जा रहा है और पूछ रहा है कि बताओ क्यों नहीं जमीन दोगे, ठीक है। तो एक से एक यहाँ पे इस तरीके की बातें होती थी कि एकदम परेशान हो जाता था, ठीक, कोई भी इंसान क्या हो, पूरी तरीके से परेशान हो जाता था, इतनी बात समझे भैया। चलो तो यहाँ पे
इस वजह जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का भी हो जाए। यहाँ मान लो कि किसी बुढ़े का जमीन है और यहाँ पे पहुंचता है डीएम, कहता है बाबा जमीन दे दो। बाबा कहते हैं हम जमीन नहीं देंगे। कहे काहे नहीं जमीन दोगे? तो बुढ़ा कह रहा है हमारी बुढ़िया इसी में दफन है, इसीलिए हम जमीन नहीं देंगे। जान रहे हो डीएम तो समझदार होता ही है। डीएम क्या बोला? कहा ऐसा है बाबा, अम्मा तो अंदर दफन है, ठीक है ट्रेन तो ऊपर से जाएगी, दे दो। तो बुढ़ा भड़क जाता है। बात समझ में आया? कहा ये बताओ, ट्रेन तो ऊपर से जाएगी लेकिन आत्मा अंदर हलचेगी कि नहीं हलचेगी? समझ रहे हो? मतलब इस तरीके का मजाकबाजी और इस तरीके की परेशानी गवर्नमेंट को झेलना पड़ा कि ये झल्ला गए। और उसी समय 1978 में परिवर्तन होगा सत्ता का, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, किसके द्वारा भैया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 19F और 31 से हटा दिया गया और ले जाके रखा गया 300A में, जो कैसा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है। बात समझे भैया? जब हमारा संविधान बना था कितने अधिकार थे? 6 मौलिक अरे 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धर्म को मानने का अधिकार, 29-30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार। और यहाँ अब अनुच्छेद 32, आप अनुच्छेद 32 अगर जानते होंगे तो इसको कहा जाता है संविधान, संवैधानिक उपचार। यहीं पे बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, किसके द्वारा भैया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद को 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा। क्या कहा? मौलिक अधिकारों की आत्मा। किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार की आत्मा। प्रस्तावना की आत्मा पूछेगा तो, अरे सॉरी, अगर संविधान की आत्मा पूछेगा तो प्रस्तावना, संविधान की पूछेगा तो आत्मा, ठीक है? डॉक्टर बीमार भीमराव अंबेडकर, वेरी गुड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो तो यहां याद रखना यार मेरे भाई। अब इसके बाद हम चलेंगे तो एक एक को तोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले इतनी चीजें। अच्छा, कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद जो है 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जाओगे। कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 32 के अंदर अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप कहाँ पे जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। अच्छी तरीके से खोपड़ी में बैठा के रख लो, समझ रहे हो? बार बार ये प्रश्न पूछता है किसी भी एग्जाम में यार। पॉलिटी का ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी तैयार हो गया तो समझ लो अन्य सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं काफी हद तक। आपका दिमाग बहुत तेज डेवलप करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है संविधान, ठीक है? चलिए सभी बच्चे बताएं एक बार, जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है? बताइए पायल पाल जी। सर पंकज निषाद, यस सर, आशुतोष, चलिए रोशनी, पवन, शुभम, चलिए अच्छा खुशी की बात है। हाँ गुरुदेव, संदीप जी, चलिए बड़ी खुशी की बात है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब और आगे इसके जबरदस्त लेके चलता हूँ। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ी वाली संख्या छोटे कोर्ट में जा रही है, बड़ी वाली संख्या छोटे कोर्ट में जा रही है, और ये छोटी वाली संख्या क्या कर रही है? बड़े कोर्ट में जा रही है। बड़ी वाली संख्या छोटे कोर्ट में जा रही है और छोटी वाली संख्या कहाँ जा रही है? बड़े कोर्ट में। यहीं पे दोस्तों एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो आपको मैं तुरंत यहाँ पे याद करा दे रहा हूँ एक मिनट के अंदर, और वो क्या है? वह है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। क्या भैया? 15, 16, 19, 29, 30। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है आप लोगों को। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं, या हमारे ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त अधिकार हैं? या भारतीय नागरिकों को। कौन कौन सा भैया? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 या किसको प्राप्त अधिकार हैं? या भारतीयों को प्राप्त अधिकार हैं, यानी नागरिकों को, नागरिकों को, नागरिक
ना, और बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सबको मिले हुए हैं। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं वह भारतीय व्यक्तियों को भी है और विदेशियों को, जैसे इसमें देखिए 21 नहीं है ना, 21 है जीवन जीने का अधिकार। तो यह व्यक्ति को बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा उसको वंचित नहीं किया जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ये है आपका कि ये वाले सिर्फ किसको मिले हैं, भारतीय, इनका दावा विदेशी नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है वह विदेशियों को मिले। अब ऐसा नहीं है कि विदेशी आया है भारत में तो पकड़ के उसका गले रेत दिए और कहे कि तुमको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सिर्फ भारत के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक भैया, चलो तो ये हो गया अनुच्छेद 32। अब इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को ये बताया, एक यहीं पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 क्या भैया, हमारे भारतीय संविधान का 20 और 21 या आपातकाल में भी, आपातकाल मतलब इमरजेंसी, या आपातकाल में भी खत्म नहीं होता। कौन बोलो भाई, कौन आपातकाल में भी खत्म कौन नहीं होता है, अनुच्छेद 20 और 21 समझ रहे हो। अगर भारत देश में आपातकाल भी लगा हुआ है तो अनुच्छेद 20 और 21 उस समय भी बने रहते हैं। तो 20 में क्या बताता है, 20 में बताता है दोहरे दंड से संरक्षण। क्या बताता है, दोहरे दंड से संरक्षण। ये दोहरा दंड क्या है, दोहरा दंड का मतलब होता है कि एक आदमी को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता, बात समझे। 20 में बताया गया है एक व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता, और 21 में है जीवन जीने का अधिकार। 21 में क्या है भैया, जीवन जीने का अधिकार। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके समझ लो, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं। जब मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ाऊंगा, या अपने आप में ही एक संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद इतना विस्तृत है 21 कि यह अपने आप में ही एक संविधान है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी किस पे थे, किस अनुच्छेद पे थे अभी हम लोग, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। 20-21 भी मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को जरा शुरुआत करता हूँ, भारतीय हमने बताया ना कि 12 से 35, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, राज्य। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधान मंडल और राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत भैया, राज्य के अंतर्गत। किसको किसको शामिल किया जाता है, राज्य के अंतर्गत। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधान मंडल और राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे सभी लोग कौन कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधान मंडल को शामिल किया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं तुरंत आप लोगों के लिए आऊंगा लेके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2), ठीक है। अब हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) और 13(2). 13(1) कहता है संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) और 13(2) मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 13(1) और 13(2) हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) कहता है, याद रखना यार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, यह कहता है कि अगर हमारा संविधान बनने के पहले कोई नियम कानून बनाया गया है, हमारा संविधान बनने के पहले अगर कोई नियम कानून बनाया गया है तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक वह इसका विरोध करता है। समझना यार, अंग्रेजों के शासनकाल में जो नियम कानून बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, भारतीयों का शोषण करने के लिए, क्या करने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए नियम कानून बनाए जाते थे। इतनी बात समझे, बताओ जरा किसके लिए नियम कानून बनाए जाते थे, भारतीयों का शोषण करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उस समय बहुत बेकार हुआ करता था अंग्रेजों का नियम कानून। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो हम लोगों की भलाई के लिए बना, हम लोगों को अच्छे से अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स देने के लिए बना,
तो इसीलिए कहता है कि हमारा संविधान बनने से पहले जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं वह उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक वह इसका उल्लंघन करते हैं, वह उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक वह इसका उल्लंघन करते हैं। और 13(2) में कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा है, जब हमारा संविधान लागू हो रहा है तो 13(2) सुनना, 13(1) में तो यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना है, उससे पहले अगर नियम कानून बना है जो हमारे संविधान में जो चीज लिखी है उसके विरोध में है तो वह उस सीमा तक सुन, जैसे किताब में 100 पेज लिखा है लेकिन एक एक पेज विरोध कर रहा है तो वही एक पेज नहीं माना जाएगा और बाकी नियम कानून माना जाएगा। वही चीज 13(2) में बताता है कि हमारा संविधान बनने के बाद कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे संविधान का उल्लंघन करे। 13(1) में है पहले वही चीज, 13(2) में है वही चीज बाद में कि जो जितनी चीजें संविधान का उल्लंघन करेंगी उसको हटा दिया जाएगा, जितनी चीजें संविधान में उल्लंघन करेंगे उनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। चलो यार अब उसके बाद देखो 14 में क्या है, 14 में है समता का अधिकार, 14 में क्या है यार, समता का अधिकार 14 से 18 तक, कहां से कहां तक दिया, 14 से 18 तक समता के अधिकार के बारे में बताया गया है ना, समता समझ पा रहे हो दोस्तों, समता मतलब बराबरी का अधिकार। इसमें दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समता, दिख रहा होगा आराम से दिख रहा होगा, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता पहला पॉइंट। यह पॉइंट जो लिया गया है यह है ब्रिटेन से, कहां से लिया गया है, यह लिया गया है ब्रिटेन से, यह पॉइंट लिया गया है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण यह कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, कहां से, अमेरिका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार इसको समझना। हम बात कर रहे हैं अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 14 की, किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी अभी हमने 13 का बात कर चुका है, अभी हम लोग 14 पे हैं। और इसमें मैंने बताया कि अनुच्छेद 14 को अगर डिवाइड किया जाए तो अनुच्छेद 14(1) और 2, इन दो पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कहता है कि समता, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे। और इस बात को कहां से स्वीकार किया गया है, इस बात को ब्रिटेन से स्वीकार किया गया है, कहां स्वीकार किया गया भैया, इस बात को ब्रिटेन से स्वीकार किया गया। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, दूसरा क्या है, विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। दूसरा क्या है, विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा एक जबरदस्त टॉपिक चल रहा है जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसमें काफी सारे बच्चे हैं और जो एक बार का पढ़े हुए हैं अगर वो रिवीजन कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में जा सकते हैं। देखो यार रिवीजन हमेशा करना पड़ता है ना, जैसे आप अभी देखो मैं पढ़ा रहा था अटेंडम, मेरे दिमाग से हल्का सा यहां से कंफ्यूजन हुआ, शुरू हो गया तुरंत, समझ रहे हो ना। तो रिवीजन, कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण या परिपक्व नहीं होता, उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है अपनी मंजिलों को पाने के लिए, लगातार प्रयत्नशील मेहनत और प्रगतिशील विचारधाराओं का जब होगा तभी वह अपने जीवन में कुछ अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल कर सकेगा। समझ पाए दोस्तों, बोलो यार समझे कि नहीं, अभी जो समझाए बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, समझे, पायल पाल जी सर, रोशनी यस सर, आशुतोष बताया, संत राम जी सर, समझ में आया अभी आज मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया, बोलिए जल्दी जल्दी। चलिए वेरी गुड, बड़ी खुशी बात है कि आप लोगों को समझ में आया। तो यहां हम लोगों ने देखा
तो आज हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? आज हम लोगों ने बात किया अपने भारतीय संविधान के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का भाग तीन, भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कहां से लिया गया था, जो आपका ग्रहण किया गया था अमेरिका में। सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें आपका समता का अधिकार बताया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया। 25 से 28 तक धर्म को मानने का अधिकार बताया गया। और 29-30 में अल्पसंख्यक का शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत विषम परिस्थितियों में आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। बिजली हटा हड़ताल के बारे में बता दीजिए। बिजली हड़ताल के बारे में बता दीजिए। देखो यार, अभी हाँ, जैसे अभी एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, हमारी सरकार, हमारी जो राज्य सरकार है, वो क्या करना चाह रही है? वह बिजली विभाग में जो आपका यह वितरण हो रहा है, वितरण में यानी पीसीएल में जो लोग हैं उसको क्या किया जा रहा है, उसको ये लोग उठा के बेचना चाहते। तो यहाँ जो अधिकारियों की या कर्मचारियों की नाराजगी है कि वो लोग सरकारी के रूप में भर्ती हुए थे, अगर उसको प्राइवेट में बेच दिया जाता है तो इनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे उतारू है, इसी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और जब क्या होगा, जब आपस में समझौता हो जाएगा, सहमति हो जाएगी, तो हड़ताल खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार कोशिश करेगी कि भले हड़ताल जारी रहे लेकिन वह विद्युत और जो है जलापूर्ति को सुनिश्चित कर सके। इसी का पूरा माजरा फंसा हुआ है, ठीक भैया। तो आप लोग भी जहां मिलता है शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है, लाइक करिए अगर समाज में होती है, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल भी आप लोगों को सरकारी नौकरी जरूरत होगी, ठीक। अगर हम नहीं पाए सरकारी नौकरी तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे बच्चे भी ना पाए। आने वाले समय में अगर एक बार सरकारी सिस्टम तंत्र खत्म हो जाएगा तो गरीब फिर कुचला ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पूंजीपतियों की सरकार हो जाती है तो पूंजीपतियों की सरकार में फिर क्या चलेगा, लिंक चलेगा। जिसके पास एक गरीब का बच्चा होगा फिर उतना ऊंचा सिर्फ पढ़ाई के दम पे नहीं उठ पाएगा, समझ रहे हो। जैसे गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को निकल के वहां तक पहुंच के किसी प्राइवेट कंपनी में बड़ी पोस्ट पे पहुंचना बड़ी बात होती है, लेकिन अगर लड़का होनहार है, मेहनत करने वाला है, तो एक गरीब का लड़का भी डीएम बन के संपूर्ण जिले का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर व्यवस्था ही धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होगा, जिसमें शोषण की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अंतोगत लास्ट में क्या होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। सरकार और जनता के बीच में वैमनस्य उत्पन्न होता है एक दूसरे को लेके कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सरकार को लगता है कि लोग हमारा विद्रोह कर रहे हैं तो सरकार को भी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, समझ पाए आप लोग। बोलो और कुछ पूछना चाहते हैं बताइए। यस सर बताइए। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप लोग। हाँ आशुतोष, बिल्कुल उसी के आसार बन रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। सभी को पता है वर्ल्ड वार होने का मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक से एक पागल देश है, वो जमाना गया ना, आप लगेंगे एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम मारने, 40-50 को मारेंगे, पूरा पृथ्वी हिल के खत्म हो जाएगी। अगर कुछ लोग बच भी गए तो अपंग पैदा होंगे, रहने लायक नहीं रहेगी, ठीक है। तो इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। चलिए, तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई की और बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ। कल हम लोग मिलेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए आप लोगों के जितने एग्जाम लगे हुए हैं, आप लोग जो है कि
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिए इस समय बहुत तीव्र गति से, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। और कई बार बताया हूँ लूसेंट का पीछे का विविध उविध भी पढ़ते रहिए, सब कुछ टाइट रखिए, उसके बाद आप अपने करंट पे भी फोकस करिए रहिए, सफलता मिल जाएगा। मेहनत का मतलब ही है यार बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत, पढ़ाई लिखाई भी एक जुनून का नाम है, जब एकदम पूरी तरीके से आत्मा बेच के लगभग, याद रखना कोई भी इंसान गधा नहीं होता, जान रहे हो ना कालिदास को, जिस पेड़ पे बैठा था वही काट रहा था, अगर डाली कट गई होती तो शायद कहानी खत्म हो गई होती, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था और उसकी किस्मत में शायद कुछ और लिखा था कि उसने लगातार अथक मेहनत किया। उसके बाद अभियान, शाकुंतलम, कालिदास, इस तरीके की उन्होंने पुस्तकों का गठन किया कि आज भी देखने वालों के और पढ़ने वालों के जो है कि हौसले कांप जाते हैं, ठीक है। इतना शुद्ध संस्कृत, हिंदी संस्कृत लिख के गए हैं कि आज भी सब ब्राह्मण लोग उसको पढ़ने में परेशान रहते हैं। बात समझ में आया? तो मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जीवन का आनंद लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं, अभी गौरव सर की क्लास होगी, अभी गौरव सर आप लोगों को तुरंत मेरे बाद पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। धन्यवाद।